कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो कुल मिला के 1000 रुपया लाडली बहना का अपने स्थान पे होगा, लेकिन एक मित्र बना के ये 13000 रुपया कर दिया जाएगा और उसी भारत माता की और उसी के साथ निधि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी 6500 रुपया मानदेय कर दिया जाएगा। पदोन्नति का 25% का 50% करने का काम मैंने पहले ही आपके सामने रख दिया है। मेरी बहनों, आपके काम के कारण प्रदेश के बच्चों का पोषण का स्तर सुधरता है, कुपोषण से मुक्त होते हैं और बाकी व्यवस्थाएं भी आप करती हैं। इसलिए अभी तो 13+1 आंगन को लाडली बहना का हाल है और वो बढ़ेगा तो और बढ़ता चला जाएगा। और भी जो आवश्यक व्यवस्थाएं होगी वो करने का प्रयास करेंगे। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों, आज मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है। आप सबका जो मानदेय है वो 10000 रुपए से बढ़ा करके 13000 रुपए सरकार करने जा रही है, जिसके बारे में कल भारतीय मजदूर संघ की तरफ से जो आंगनबाड़ी बहनों का सम्मेलन किया गया था, उस सम्मेलन में आंगनबाड़ी बहनों के साथ साथ शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी आए थे। ऐसे में उन्होंने कई सारी घोषणाएं आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए की हैं। आइए देखते हैं उनमें से क्या क्या है। मानदेय भी उनमें से एक है, 10000 से बढ़ाकर के 13000 रुपए वो करेंगे। साथ ही जो 1000 रुपया लाडली बहना योजना का मिलता है और वो भी कल काफी जिलों में पहुंच चुका है, वो आपका अलग से मिलेगा। तो 13000+1000 14000 तक तो आप पैसे आसानी से पा सकती हैं। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश की सरकार से उनको कुछ सीखने की जरूरत है। आंगनबाड़ी बहनों से किया वादा उत्तर प्रदेश सरकार ने तो निभाया नहीं, वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने कोई वादा नहीं किया और फिर भी मानदेय पर मानदेय की सौगात बहनों को दे रहे हैं। ऐसे में एक ये बहुत ही ऑल इंडिया परिवार के लिए और मध्य प्रदेश की बहनों के लिए खुशी की बात है। लेकिन ध्यान देना चाहेंगे, हाल ही में जो बच्चा लाडली बहना योजना के चलते 3 साल का उसने जान गंवाया, उसकी मां ने जान गंवाई और साथ ही साथ एक हमारी आंगनबाड़ी बहन ने भी जान गंवाई। कृपया उनके परिवार की तरफ भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम यूनियन के भाई बहन, आप सब भी संज्ञान लें और उनके परिवार को भी आर्थिक मदद के लिए कम से कम कुछ तो कीजिएगा। अब मानदेय वृद्धि हो गई, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लाखों परिवारों में इसका लाभ जाएगा, वो भी अच्छा कार्य है। लेकिन जो पीछे छूट रहा है, एक परिवार, दो परिवार, तो उन दोनों परिवारों का कम से कम कुछ तो भला करवाइए। इधर बात करते हैं, आगे ले चलते हैं हम खुशखबरी के मौके पर, खुशखबरी ही आपको देना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, अभी हम आपको इसी वीडियो में वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें वो बोल रहे हैं कि वो क्या क्या कहना चाहते हैं मानदेय के संबंध में और उन्होंने क्या क्या वहां पर बोला है, अभी उस पर भी आएंगे। आगे आप लोगों को पहले हम कुछ आर्टिकल दिखाना चाहेंगे जो उनकी तरफ से प्रसारित हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण कुछ घोषणाएं हैं, जिनमें से बोला जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 13000 रुपया और सहायिका का मानदेय 6500 रुपया प्रति माह किया जाएगा। अभी सहायिका बहनों के मानदेय को लेकर के थोड़ा मतभेद है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में एक आर्टिकल मेरे पास पहुंचा है जिसको शोभा गजबीय बहन है, छिंदवाड़ा जिले से आती है मध्य प्रदेश से, और उन्होंने भेजा है जिसमें क्या लिखा है उसको सुनिएगा कि पूर्व में दिए हुए मानदेय दर्शाए गए हैं। तो पूर्व में अगर आप देखें
तो यहां पर सहायिका बहनों को और मिनी बहनों को सबके लिए अलग से दर्शाया गया है। तो देख सकते हैं यहां पर प्लस वृद्धि वाला मानदेय लिखा गया है और लाडली बहना का भी पैसा लिखा गया है और उसके बाद कुल पैसा लिखा गया है। तो इसी हिसाब से आंगनबाड़ी बहनों के 14,000 लिख दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि 10,000 पहले मिलते थे, 3,000 रुपया का बढ़ोतरी आंगनबाड़ी बहनों का किया गया है मध्य प्रदेश में। अभी देखो इसका ऑफिशियल लेटर आना बाकी है। मेरे शब्दों पर अब गौर करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी सरकार ने केवल आपकी ये घोषणाएं मंच से आकर के मौखिक रूप से कही है। अब भले ही इसके पीछे उनका जो ऑफिशियल लेटर टाइप का मैटर है वो उच्चाधिकारी कर रहे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन जब तक वो लेटर जारी नहीं होता, मानदेय वृद्धि की घोषणाओं का शासनादेश नहीं आता, तब तक आप थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा और ऑल इंडिया से जुड़े जरूर रहिएगा ताकि हम आपको बता पाए। जब आदेश आएगा तो आदेश में अक्षरशा क्या लिखा होगा, कितना बड़ा होगा, वो मान्य होगा। बातें क्या चल रही है, क्या कहा गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो आदेश में होगा वही आपको मिलेगा। तो अभी आदेश का इंतजार करिए, ये हमारा पहले आप लोगों को समझाना है। अब बढ़ते हैं आगे। तो 10,000 प्लस 3,000 और प्लस 1,000 रुपया लाडली का, तो 14,000 आंगनबाड़ी का हो गया, ऐसे समझ लीजिएगा। मिनी कार्यकर्ता की बात करें तो पहले 5,000 रुपया मिलता है मध्य प्रदेश में, इसमें 1500 की वृद्धि बताई जा रही मिनी बहनों के लिए सरकार ने की है, और 1,000 लाडली का, तो 7500 रुपया हो गया, ऐसे यहां पर जोड़ा गया है। ध्यान देना, सहायिका बहनों की बात करें तो 5,000 पहले सहायिका को मिलता था बताया जा रहा है, और 1500 की वृद्धि और 1,000 रुपया बोला जा रहा है क्या कि यहां पर ये लाडली का, तो 7500 इनके भी बोले जा रहे हैं। अब मतभेद ये है कि मिनी और मेन जो सहायिका इनको बराबर देने जैसा यहां पर लिखा है आर्टिकल में, जबकि एक आर्टिकल में 6500 लिखे गए हैं। अब वो 6500 किसके लिए लिखे गए हैं, जरा इस पर भी गौर करिएगा। तो सहायिकाओं के लिए लिखे गए हैं 6500 रुपए, तो यहां पर अंतर है थोड़ा थोड़ा। तो देखो सहायिका और मिनी बहने, वो अपना थोड़ा धैर्य बना करके रखो, और सभी बहने रखो, मेरे कहने का तात्पर्य सभी बहने रखो, जो होगा जितना बढ़ेगा, आदेश आएगा उसमें सब क्लियर होगा और वही हम आपको अच्छे तरीके से पुष्टि के साथ में क्लियर करेंगे। अभी आप वायरल खबरों के तौर पर आप चीजों को समझ लीजिएगा, क्या क्या घोषणाएं वहां पर की गई है। तो मुख्यमंत्री ने और कहा है कि रिटायर होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एक मुफ्त 1,25,000 रुपया दिया जाएगा और सहायिका को केवल 1,00,000 दिया जाएगा। तो आंगनबाड़ी को कितना, 1,25,000, और सहायिका को कितना, 1,00,000। केवल 25,000 रुपया सहायिका से आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर ज्यादा मिलेगा, और उनको 1,25,000, उनको केवल 1,00,000। आगे, आंगनबाड़ी सहायिका को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर पदोन्नति पर दिया जाने वाला आरक्षण 25% से बढ़ाकर के 50% किया जाएगा। तो बहनों, आपका जो सहायिका बहने हैं उनका जो प्रमोशन होना होता है कार्यकर्ती पद पर प्रोन्नति के संबंध में, तो आप उसमें भी 50% आरक्षण मिलेगा, 25 से बढ़ा करके कर दिया गया, इसमें भी फायदा होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, इनका 5,00,000 रुपए का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा भी सरकार कराने वाली है। ये एक पॉइंट अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बहनों ने जान गंवाई है। अब मैं इसी बात को लेकर के अपने सभी यूनियन के भाई बहन जो एमपी में है वो कृपया मुख्यमंत्री से आवाज लगाएं। अभी हाल ही में ड्यूटी के दौरान इसी लाडली बहना योजना के खाते अपडेट कराने के चक्कर में एक आंगनबाड़ी बहन ऑटो से जा रही थी, ऑटो पलटा और वो आंगनबाड़ी बहन भी हमारी नहीं रही, और साथ ही साथ उन जिस लाभार्थी को ले जा रही थी वो बच्चा भी 3 साल का, मैं आपको अभी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, वो बच्चा भी उस दुनिया में नहीं रहा। ऑन द स्पॉट इनकी दोनों लोगों की डेथ हुई। उसके बाद भी यहां पर एक दुख और टूट पड़ा, जो कि इस बच्चे की जो मां थी वो भी उसी दिन नहीं रही। बहन ने लिखा ये बच्चा तुरंत दम तोड़ दिया था, जो उसकी मां अस्पताल में थी, जिस दिन ज्ञापन दिए उसी शाम अस्पताल में वो भी मृत हो गई। तो आंगनबाड़ी बहन नहीं रही, एक ये बच्चा नहीं रहा, और इस बच्चे की मां नहीं रही, तीन तीन जाने गई हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री जी ध्यान दें, वृद्धि आपने खूब कर ली, बहनों का
खूब जो है इसने आपको मिले, यही कामना है। आप बहनों के लिए दिन रात और जो है ऐसे ही बढ़ोतरियां करें, क्योंकि पहले भी आपने ही की हैं और हल्की फुल्की नहीं की है, ठीक ठाक की है समय के साथ में, जो उत्तर प्रदेश सरकार भी नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में बहुत ही खुशी की यह बात है। लेकिन इन परिवारों की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। तो यहां पर बड़ी दुख की बात है, एक पिता के पुत्र और पत्नी एक दिन में दोनों नहीं रहे, लाडली बहना के 1000 रुपए के चक्कर में। अब हमने आंगनबाड़ी बहनों के अनुकंपा नियुक्ति के लिए ज्ञापन दिया था, उसकी चर्चा हो रही है दैनिक भोगी कर्मचारी के लिए। अब देखो कब तक बेचारे जो रह गए हैं उनके पिता, उनका होगा। और उनका तो मान लीजिएगा ये बोला जा रहा है, अब इनके परिवार में इनका क्या होगा, इनके पिता का बच्चे का क्या होगा, जिन्होंने अपनी पत्नी और बच्चा दोनों गवाया है। तो ऐसे में ध्यान देने की जरूरत है। अब पैसे तो सरकार भेज रही है, जैसे छोटी भाई महेश बिसेन बालाघाट से है, 1000 रुपया कल बालाघाट में भी आ गया है, यही लाडली बहना योजना वाला। राजपति जी है, भिंड जिले से आते हैं, वृद्धि के संबंध में अवगत कराया है, तो बिल्कुल वो पूछना चाहते क्या यह मिलेगा, तो हाँ मिलेगा, लेकिन अभी आदेश का आप इंतजार करें। वह सलमा भी बहन है साजापुर से, उन्होंने भी कहा है कि 3000 रुपए तक कर दिया जाएगा, शायद बढ़ाने वाले मानदेय की बात बहन कर रही है। लाडली बहना योजना को 250 बढ़ा बढ़ा करके 3000 तक बहनों के बढ़ेंगे, ऐसे यहां पर कुछ बोला गया है। तो अभी इस पर कुछ चीजें कंफर्म नहीं है। मैं देखो फिर कह रहा हूं, अखबारों में सोशल मीडिया में क्या आ रहा है उससे कम आप जो है यहां पर ध्यान अपना उसमें लगाओ, यानी देखो सब सीखो सब, लेकिन अपने दिमाग के दो टुकड़े करो, एक तो सोशल मीडिया का अलग करो, दूसरा सच्चाई का ऑल इंडिया की अलग करो। वो रहता है जब हम आपको आदेश दिखाते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, जब उसका पूरा आदेश आ जाता है तो वो मेन होता है, तो आप उसका इंतजार करें, मेरे कहने का यही तात्पर्य है। इसके अलावा सलमा भी बहन साजापुर से, 1000 रुपया साजापुर में भी कल पहुंच चुका है, तो कल सौगातें तो मिली हैं, लेकिन दिक्कत बस एक ही रह गई। प्रभाव जी हैं धार जिले से, 1000 रुपये इनके वहां पर भी पहुंच गया। अब देखो मुख्यमंत्री को उस जो है सम्मेलन में बुलाया गया था, महीप तेजस्वी उप सचिव मुख्यमंत्री, 9 तारीख का ऐसे के लेटर, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 11 तारीख को 11:45 पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कार्यक्रम में सम्मिलित होना प्रस्तावित है, ऐसे सब लिखा था और वहां पर वो पहुंचे भी हैं। आइए तस्वीरों की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये सलमा भी बहन ने कई जो है यहां पर जानकारियां ऑल इंडिया को इस बारे में भेजी हैं। वहीं आगे ले चलते हैं, सहायिका बहनों का देखिएगा 6500 मिलेगा, और ऐसे आंगनबाड़ी बहनों का 13000 के समथिंग मान के चलिए, और शासनादेश का इंतजार करिए। ये सलमा भी बहन, जब इन लोगों को खबर हुआ तो ये बहनें भी अपने वहां जो है पहुंची हैं सम्मेलन में, और इसीलिए आपने देखा है सम्मेलन में काफी बहनें वहां पहुंची हैं और खूब सम्मेलन में भीड़ हुई है। मुख्यमंत्री भी आए हैं, उनका वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे, और वीडियो में वो क्या कह रहे हैं उस पर भी आप लोग थोड़ा गौर करिएगा और सुनिएगा उनकी बातों को ध्यानपूर्वक, तो अभी उस पर भी हम आएंगे, टेंशन मत लेना। पहले आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं जो हमारे पास आई हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कल बढ़िया से बढ़िया घोषणाएं की हैं। अब इस बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार से बेटर कार्य आंगनबाड़ी बहनों के बाल विकास विभाग के लिए MP सरकार जरूर कर रही है। उनको अपने वहां पर लोगों की चिंताएं हैं, महिलाओं का भी वो ध्यान रखते हैं, बहनों का भी ध्यान रखते हैं। लाडली बहना योजना भी शुरू की, अब उसके में उसमें भी लाभ मिल रहा है, और इसके अलावा यहां पर बाकी मानदेय वृद्धि भी उन्होंने यूपी से ज्यादा पहले भी कर रखी, और अब भी उन्होंने भारी भरकम बढ़ोतरी समझ लीजिएगा की है। इसमें कोई शर्तें नहीं है, सरकार ने अभी तक तो शर्तों का कोई सिलसिला नहीं, क्योंकि ये कोई प्रोत्साहन नहीं है, तो ऐसे में ध्यान देना। फिर भी उन्होंने 3000 रुपया डायरेक्ट बढ़ाया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार उसने 1500 बढ़ाया था, उसमें भी शर्तें लगाती थी, और मानदेय स्वरूप जो बढ़ाया था वो केवल 500 रुपया बढ़ाया था। अब बताइए मानदेय रूप के रूप में केवल 500 रुपए यूपी सरकार बढ़ाती है, और डायरेक्ट 3000 मध्य प्रदेश सरकार बढ़ाती है, और वहीं यूपी में पहले से ही कुछ नहीं मिलता है, महज 1000 रुपया मिलता था उसमें 500 बढ़ाया गया, और वहीं MP में 5500 रुपया मिलता था केवल, कौन सा मतलब MP सरकार का, जैसे यूपी सरकार 1000 ही देती है वैसे MP सरकार 5500 देती थी, अब उसमें 3000 बढ़ा दिया गया, तो सोचिए बाकी केंद्र का तो सब जगह 4500 सेम है। तो इसीलिए आंगनबाड़ी बहनों का MP में जो 10000 था अब वो बढ़कर के 13000 हो जाएगा, और लाडली बहना योजना का अलग से 1000 रुपया और मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, और ये मिनी का देखो यहां पर लिख दिया गया, जबकि ये सहायता का लिखा होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप
टेंशन ना लें, इंतजार करें आदेशों का, जिनमें हम चीजें आपको बिल्कुल से क्लियर कर पाए। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो एमपी से आ रही हैं। और एक ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे ऑल इंडिया के थ्रू, जो कि बहुत सारी भीड़ वहां पर बहनों की जो है जनसैलाब देखने को मिला है, इसी उम्मीद में कि उनका मानदेय वृद्धि सरकार करेगी। और सरकार ने किया है, वादा अपना निभाया है। बस अब थोड़े समय का इंतजार है कि बस विभाग से इसी जो है घोषणाओं का वृद्धि का लेटर जारी हो जाए, यानी इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाना अभी बकाया है, जो कि विभाग में बैठे बड़े बड़े अफसर जो निदेशक हैं, मुख्य सचिव हैं, इनके स्तर से अब कार्य होना है। तो अब उसकी जरूरत है, अमली जामा पहनाने की जरूरत है। घोषणाएं तो बहुत होती हैं, अब मौखिक रूप से अब उनको जो है अमली जामा जो है पहना पाना ये सरकार पर निर्भर करेगा कि वो देना चाहते हैं कि नहीं, या जो भी है थोड़ा समय का इंतजार और उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों अब आप लोगों के एमपी में मानदेय वृद्धि के साथ साथ अच्छे दिन समझ लीजिएगा शुरू हो गए हैं। क्योंकि 3000 डायरेक्ट बढ़ना, 1000 लाडली का मिलना, 4000 की वृद्धि अपने आप में काफी है। तो ऐसे में मैं नहीं कहता कि आपकी मेहनत के हिसाब से पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना सही में इतना मिला है वही बहुत है। क्योंकि अन्य स्टेट में आपने देखा है क्या हाल है, 100-200 रुपया की वृद्धि होती है और उसमें भी न जाने कितने महीने धरना, न जाने कितनी कड़ी मेहनत, और उसके बाद भी कभी छलावा, कभी प्रोत्साहन में बदलना, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ऐसे में एक बार ये आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख देना और हम आपको ले